दोस्तों कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। दोस्तों अगर आप एसटीसी पे यूज़ करते हैं और एसटीसी पे से अपना पैसा घर ट्रांसफ़र करते हैं तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज मैं एक प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाला हूँ। एक ऐसा प्रॉब्लम जो मेरे साथ आपके साथ अक्सर होते रहता है, लेकिन जिन भाइयों को नहीं मालूम कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, इसे कैसे सॉल्व किया जाए, तो वो ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। तो कौन सा प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन क्या है, ये सारी बातें आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए और देरी नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त राज और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल राज टेक्निकल इन्फो। 2 दिन पहले मेरे भाई ने एसटीसी पे से अपना घर पैसा ट्रांसफ़र किया था, लेकिन उसका पैसा जो दोस्तों घर नहीं पहुंचा था, कहीं रास्ता में फंस गया था। मुमकिन है कि ट्रैफिक वगैरह में फंस गया होगा, ट्रैफिक ज़्यादा रहा होगा, सॉरी मजाक कर रहा हूँ। तो दोस्तों उसने पैसा ट्रांसफ़र किया तो उसका पैसा जो है अंडर प्रोसेस में चला गया था। तो 2 दिन तक वो भाई मेरे जो है बहुत परेशान थे कि पैसा पहुँचा नहीं है, क्या करूँ, किससे बात करूँ। तो फिर उसने मुझसे कॉन्टेक्ट किया दोस्तों, और उसने मुझे अपना स्क्रीनशॉट वगैरह भेजा कि मैंने पैसा ट्रांसफ़र किया था लेकिन पैसा पहुँचा नहीं है, 2 दिन हो गया। तो फिर मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया और उसके बाद में उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिया, अकाउंट नंबर लिया। लेने के बाद दोस्तों फिर मैंने कस्टमर केयर में फ़ोन किया। तो कस्टमर केयर साथ में क्या क्या बात हुआ दोस्तों, इस चीज़ को दिखाने के लिए मैं अभी आपको ले चलता हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पे। मैं आपके सामने लाइव कस्टमर केयर में कॉल करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से कॉल करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए आगे इसी तरह का वीडियो देखने के लिए। तो चलिए करते हैं कॉल। तो दोस्तों मेरे भाई ने एसटीसी पे से अपना घर पैसा ट्रांसफ़र किया था, ये रहा उस ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट, आप देख सकते हैं। उसने 494 रियाल अपने घर पैसा ट्रांसफ़र किया था, लेकिन 2 दिनों तक अंडर रिव्यू के कारण उसका पैसा ट्रांसफ़र नहीं हुआ था। फिर उसने मुझसे कॉन्टेक्ट किया तो फिर मैंने उसका कामा नंबर फ़ोन नंबर लेके कस्टमर केयर को फ़ोन मिलाया। मेरा कस्टमर केयर से क्या बात हुआ, उसका क्या प्रॉब्लम था, उसका पैसा मिला या नहीं, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं कॉल करता हूँ एसटीसी पे कस्टमर केयर पे, इसका नंबर है 9200111444। ओके, अब मैं इसे कॉल करता हूँ। أهلا بكم في اس تي سي باي للغة العربية، اضغط على الرقم 1. Welcome to اس تي سي باي. To continue in English, please press 2. اس تي سي باي میں خوش آمدید. اردو کے لیے 3 دبائیں. ہندی کے لیے اس تی سی پے کے متعلق مزید معلومات کے لیے 1 دبائیں. انفرادی اس تی سی پے آپ کا محفوظ ڈیجیٹل والیٹ ہے جو آپ کے روزمرہ کی ادائیگیوں اور مالی لین دین میں آسانی اور سہولت لانے کے لیے ایک موبائل اپلیکیشن کے طور پر پیش کی گئی ہے. اس ایک اپلیکیشن کو استعمال کرتے ہوئے اب آپ رقم بھیجنا، وصول کرنا، خریداری اور اپنے اخراجات کو براہ راست اپنے موبائل فون سے منظم کر سکتے ہیں. مزید معلومات کے لیے 0 دبائیں. मोहम्मद सुफियान बोल रहा हूँ सर. आपका नाम दोबारा बोलिए प्लीज. मोहम्मद सुफियान. मोहम्मद सुफियान साहब, आई कैन टेल यू सिर्फ कहिए क्या कर सकते हैं. मैं जिससे बात कर रहा हूँ ये मेरा नंबर नहीं है, मेरे दोस्त का नंबर है. मेरा नंबर चाहिए कि आपको मोबाइल नंबर जिससे मैंने एसटीसीपी बनाया है. बिल्कुल, आपका मोबाइल नंबर बोलिए. 05 जी बता रहा हूँ मैं. 054 नंबर कहिए जी सर. नंबर 21010. 494. ओके सर, देखिए आपके जो डिटेल्स हैं मैंने अभी हमारे कस्टमर डिपार्टमेंट को डायरेक्शन कर दिया है. यस सर. ओके, थोड़ा वेट कर लीजिए क्योंकि इंटरव्यू है, इतनी देर नहीं होती है. इंटरव्यू तो इंटरव्यू का मतलब ये है कि वेरिफिकेशन. आपके इस इशू में काफी डिले हुआ है. इसी में इसमें तो मैं पहले भी मैं भेज चुका हूँ सर, ऐसा नहीं कि न्यू अकाउंट है, मैं पहले भी पैसे ट्रांसफर किया हूँ उसमें. आपका ये इतना डिले हो रहा है, डिटेल्स मैंने भेजे कस्टमर को. साथ में ये भी है कि
आप वेट कर लीजिए, इंशाल्लाह आपका मसला आपका यहाँ से हल कर दिया जाएगा। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सो मच। कुछ जानना चाहेंगे आप? नो सर, थैंक यू। अच्छा सर, स्टेज पर मैं कॉल करने का शुक्रिया, एम्बुलेंस के लिए कॉल करके आप कीजिए। अल्लाह। तो दोस्तों, इस तरह से एसटीसी पे कस्टमर केयर में बात होने के बाद जो पैसा उसका 2 दिन से रुका हुआ था, वो पैसा 2 से 5 मिनट के अंदर पैसा ट्रांसफ़र हो गया। यह रहा उसका स्क्रीनशॉट। तो अगर आपके साथ में या आप किसी दोस्त के साथ में इस तरह का एसटीसी पे प्रॉब्लम होता है, अंडर रिव्यू का प्रॉब्लम, तो आप कस्टमर केयर में डायरेक्ट बात करिए। उससे बात करके आप अपने पैसा को रिलीज़ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे इसी तरह का दूसरा इंपॉर्टेंट यूजफुल वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।